तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है लक्ष्मीपुर नामक गांव की, जहां अमय अपने माता पिता के साथ रहता था। अमय के पिता ऑटो चलाते थे और अमय उनका एक लौता लड़का था, इस कारण वो उसकी हर खुशी, पढ़ाई लिखाई सबका बहुत ध्यान रखते थे। पर अमय को अपने पिता की इस बलिदान का जरा भी एहसास नहीं था, वो गलत संगत में पड़ जाता है। फिर एक दिन अमय की माँ उसे कहती है, बेटा अमय तेरे पिता इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात ऑटो चलाते हैं और तेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, पर तू उनके सारे बलिदान को भूल गया और गलत संगत में पड़ गया। बेटा अभी भी सही समय है, ये सब चीजें छोड़ दे और अपने कर्तव्य को समझ और अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दे। माँ प्लीज मुझे सुबह सुबह ये भाषण मत दो, और रही बात पापा के बलिदान की, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, और साथ ही कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है पापा, एक ऑटो चलाने वाले ही हैं। पता भी है मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ता है अपने दोस्तों में इस बात को लेकर। तभी तो बेटा वो चाहते है कि तू एक IAS अफसर बन जाए। अच्छा, कहना बहुत आसान है करना नहीं, पता भी है दिन रात पढ़ना पड़ता है तब जाकर एक IAS ऑफिसर बनता है, और वो भी लाखों में से कोई एक ही बनता है। मुझे अपनी किस्मत पर इतना भरोसा नहीं है कि मैं लाखों में से एक हूँ, अगर होता ना तो आज एक ऑटो चलाने वाले का बेटा नहीं होता। ये सब सुनकर अमय की माँ बहुत रोती है और उससे कहती है, बेटा किस्मत बनने से बनती है, तेरे पिता पढ़ लिख नहीं पाए पर वो तुझे पढ़ा रहे है, अगर तू मेहनत करेगा तो तू कामयाब जरूर होगा, पर उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बस माँ बहुत हुआ, अब मैं चलता हूँ वरना आपके भाषण खत्म नहीं होंगे। अमय की माँ अपने बेटे की चिंता में धीरे धीरे बीमार होने लगती है। फिर एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी हमारे परिवार में कहाँ कमी आ गई है कि हमारा बेटा आज ऐसा हो गया है कि उसे अपना अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम चिंता मत करो अमय की माँ, सब सही हो जाएगा। अभी हमारे बेटे को एहसास नहीं है कि वो अपने साथ कितना गलत कर रहा है, जब उसे एहसास होगा वो सही रास्ते पर चलने लगेगा। पता नहीं जी, ऐसा ना हो कि तब तक बहुत देर हो जाए। फिर एक दिन अमय अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसका दोस्त कुलदीप वहाँ आता है जो अमय को कहता है, अमय तुझे पता है यार कल अमन का जन्मदिन है और कितनी बड़ी पार्टी है उसके यहाँ। हाँ यार बताया था अमन ने मुझे भी, और इनवाइट भी किया है, मैं तो जरूर जाऊंगा। अमय अपने दोस्त कुलदीप के साथ अमन की पार्टी में जाता है, जहाँ पर सारे कॉलेज के बच्चे नशा कर रहे होते हैं। पहले तो अमय ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और डर भी जाता है, लेकिन कुछ समय बाद अपने दोस्तों को ये सब चीजें करते देख उसे लगता है कि वो भी ये सब काम कर सकता है, फिर वो भी नशा कर लेता है। तभी वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है और पुलिस सब बच्चों को गिरफ्तार कर लेती है। जब अमय के माता पिता को ये सब बातें पता चलती है तो पुलिस स्टेशन जाकर उसकी बेल करवा देते हैं। फिर अमय के पिता उसे कहते हैं, मुझे नहीं पता था बेटा कि तू इतना बिगड़ जाएगा कि अब नशा भी करने लगेगा, मेरा तो सपना था कि मैं तुझे IAS अफसर बनते देखूं, पर वो सपना टूट गया आज तुझे जेल में देखकर। पापा आपके लेक्चर फिर से शुरू हो गए, प्लीज मेरी लाइफ में इन्वॉल्व होना बंद कर दीजिए, मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकता हूँ, आप लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा जैसे तुझे सही लगे, लेकिन एक दिन तुझे बहुत पछतावा होगा, और जिस टाइम तुझे पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अमय अपने पिता से लड़ाई झगड़ा करके बाहर घूमने चला जाता है। जब वो शाम को आकर देखता है तो देखकर चौंक जाता है कि उसके पिता उसकी चिंता में इतना डूब गए थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। फिर अमय की माँ उससे कहती है,
अब तो तू बहुत खुश हो गया होगा बेटा। जो तुझे हमेशा डांटते रहते थे अब वो इस दुनिया से चले गए हैं। अब तुझे अपनी जिंदगी जैसी भी जीनी है तू जी सकता है। अमय को अपने पिता की कही हुई बात याद आती है कि जब तक उसे समझ आएगा बहुत देर हो चुकी होगी। अमय अंदर ही अंदर अपने आप को अपने पिता को मौत का कारण मानकर टूट जाता है। फिर अपना घर चलाने के लिए अमय अपने पिता का काम ही करने लगता है। वो भी अब वही ऑटो चलाने लगता है जिसका उसने कुछ समय पहले मजाक बनाया था। उसके बाद एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, मुझे माफ कर दो माँ, आज तक मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, जिसके कारण आज पिताजी दुनिया में नहीं है, पर अब मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा और अपने पिता का अधूरा सपना जरूर पूरा करूँगा। अमय की ये सब बात सुनकर उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती। फिर अमय दिन रात ऑटो चलाकर मेहनत करता है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करता। फिर अमय का IAS का पेपर होता है और वो उसे देने के लिए निकलता है। तभी उसे रास्ते में कुलदीप मिल जाता है जो उससे कहता है, और भाई कहाँ है आजकल, बड़े दिन से तू पार्टी में नहीं आ रहा, और सुना है अपने पिता का घटिया ऑटो भी चलाने लगा है। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, मेरा IAS का पेपर है। क्या IAS का पेपर, कैसा मजाक कर रहा है तू, चल छोड़ ये सब मजाक और चल मेरे साथ चल। तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा, मुझे देर हो रही है जाने दे, इतना घमंड किसको दिखा रहा है, ऑटो चलाने वाला है तू समझा, और मैं इतने बड़े घर का लड़का, तुझे थोड़ी इज्जत क्या दे दी, आसमान में चढ़ गया तू, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर अमय और कुलदीप की लड़ाई हो जाती है। फिर पास के कुछ लोग उनको अलग करते हैं। तभी अमय को याद आता है कि उसका आज पेपर है, तो वो जल्दी से वहां से भागता है, पर उसे एग्जाम में लेट आने की वजह से बैठने नहीं देते। फिर वो वहां से टीचर के पैरों में गिर कर उनसे कहता है, सर जी मेरे लिए एग्जाम देना बहुत जरूरी है, आज तक इतनी गलती की है मैंने जिसकी वजह से मेरे पिता भी दुनिया से चले गए, पर मैं अब उनका अधूरा सपना पूरा करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे पेपर देने दीजिए प्लीज। अमय की ये सब बात सुनकर टीचर को उस पर तरस आ जाता है और वो अमय को एग्जाम देने की परमिशन दे देते हैं और उससे कहते हैं, तुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, सोच ले एक बार और आज पहली बार अपनी नौकरी खतरे में डालकर तुझे मौका दे रहा हूँ। नहीं मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। फिर अमय IAS का एग्जाम दे देता है और कुछ समय बाद वो अपने जिले का पहला IAS अफसर बन जाता है। फिर अमय अपनी यूनिफॉर्म पहनकर अपने पिता के तस्वीर के पास जाकर कहता है, देखो पिताजी आज एक ऑटो चलाने वाला IAS ऑफिसर बन ही गया, आपका सपना पूरा हो गया पिताजी, बस दुख इस बात का है कि आप साथ नहीं हो, मुझे माफ कर दो पिताजी। तभी अमय की माँ उसके सिर पर हाथ रखकर उसे कहती है, जिस दिन तूने सारे गलत काम छोड़कर मेहनत करनी शुरू कर दी थी बेटा, तेरे पिताजी ने तुझे तभी ही माफ कर दिया होगा, और आज तूने उनकी आखिरी इच्छा पूरी करके उनकी आत्मा को शांति दे दी, जीता रह बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।